मैं हूं रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबरें। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। खबर है भदोही से। सांसद डॉक्टर रमेश चंदेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति बैठक। जिलाधिकारी द्वारा विद्याजली योजना की अपील पर जनप्रतिनिधिगणों ने प्राथमिक स्कूलों के विकास हेतु दी सहायता राशि। बता दें भदोही 10 जनवरी 2023 कलेक्टर सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा बैठक की अध्यक्षता सांसद डॉक्टर रमेश चंदेल ने की। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक और आई दीनानाथ भास्कर, विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, MLC वाराणसी खंड आशुतोष सिन्हा, भाजपा जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव समस्त, ब्लॉक प्रमुख समस्त, जिला पंचायत सदस्य व अन्य जनप्रतिनिधियों सहित जिलाधिकारी गौरंगाठी, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व शैलेंद्र कुमार मिश्र, प्रभारी CDO श्याम जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, पुलिस अधीक्षक जनप्रतिनिधि CEO ज्ञानपुर सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी गण उपस्थित रहे। भदोही से विशेष रिपोर्टर आजाद खान बापू की रिपोर्ट। आज निगरानी समिति की इस बैठक थी, उस बैठक में समीक्षा बैठक हुई। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सारी जो विकास के मुद्दे के जो विकास के कार्य थे उसकी समीक्षा हुई और बिजली, पानी, रोड, स्वास्थ्य सभी मुद्दे पे चर्चा हुई और निश्चित रूप से आज सरकार के मंशा के तहत सारे अधिकारियों ने अच्छी ढंग से तैयारी की और अच्छी ढंग से काम करने का काम किया। उसी विषय को लेकर आज हम बिजली और स्वास्थ्य के बारे में हमेशा बैठक होती है। हाँ। क्या इसमें रहता है कि काम क्यों नहीं पता पूरा? ये बहुत काम होते इसी दौरान सुने जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है। आज यहाँ पे बस्ती बढ़ रही है, थोड़ा सा आगे बस्ती बढ़ती है तो समस्याएं तो एक तरफ से सरकार करती ही चली आ रही है, तो समस्याएं थोड़ा आती रहती हैं तो उसको तो समस्या एक तरफ से आना है और दूसरी तरफ सरकार पूरा करती है।